हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जब से एनसीबी ने ड्रग मामले में गिरफ्तार किया है, तभी से बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सेलेब्स शाहरुख और उनकी पत्नी गौरी के समर्थन में सामने आए हैं। हाल ही में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शेखर सुमन ने भी अभिनेता के समर्थन में दो ट्वीट किए हैं और अपना दुख व्यक्त किया है। शेखर सुमन ने ट्वीट में बताया कि माता पिता के रूप में इस तरह की पीड़ा से गुजरना कभी आसान नहीं होता है। उन्होंने लिखा, मेरा दिल शाहरुख खान और गौरी खान के लिए बाहर आ रहा है। एक माता पिता के रूप में मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। माता पिता के लिए इस तरह की पीड़ा से गुजरना आसान नहीं है। शेखर सुमन ने अपने मुश्किल दिनों को याद किया जब उनके बेटे का निधन हो गया था। शेखर सुमन ने ट्वीट किया, जब मैंने 11 साल की उम्र के अपने बड़े बेटे आयुष को खो दिया था तो शाहरुख खान एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जो फिल्म सिटी में शूटिंग के दौरान पर्सनली मेरे पास आए, मुझे गले लगाया और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि एक पिता के तौर पर वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं। पिछले साल कॉमेडियन और अभिनेता शेखर सुमन ने बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में गहन जांच की मांग की थी। शेखर सुमन ने अब जो ये दो ट्वीट किए हैं, इन ट्वीट के ज़रिए उन्होंने शाहरुख और गौरी को हिम्मत रखने की सलाह दी है और उन्होंने कहा है कि वो भी इस दर्द को समझ सकते हैं क्योंकि वो खुद एक पिता हैं। बहरहाल, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही।